गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक। नाउ आई एम सेंडिंग यू इंग्लिश रिटन एग्जाम वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर पिन पेज फ्रॉम इंग्लिश कॉपी, राइट मेंशन नेम, क्लास, सब्जेक्ट। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास HKG, सब्जेक्ट इंग्लिश रिटन। ओके, नाउ स्टार्ट। लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर देने हैं। यहाँ पे मैम ने जो ये पिक्चर्स बनाई हैं, आपको ऐसे पिक्चर्स नहीं बनानी, बट इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके आपको नाम लिखने हैं, राइट। ये किसकी पिक्चर है, यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन आप वहाँ पे खाली अपनी शीट पे स्पेलिंग्स लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे इसकी, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, आपको स्पेलिंग्स लिखनी है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी है, आपको स्पेलिंग्स लिखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट कर्सिव अल्फाबेट्स फ्रॉम कैपिटल ए टू स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड। आपको कर्सिव के कैपिटल ए एंड स्मॉल ए से कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड तक आपको पूरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लूरल वर्ड्स वन एंड मैनी। आपको यहाँ पे मैम ने वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स को मैनी में चेंज करने हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड्स। मैम ने आपको यहाँ पे फैमिली वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे एट फैमिली, एट फैमिली, इन फैमिली, ऑट फैमिली और अप फैमिली। आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड टू टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज, मैम ने ये क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, इज दिस अ फिश, राइट। यहाँ पे जो बना हुआ है आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, फिर आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज दैट अ स्टार, मैम ने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे आंसर नंबर 6 लिख के आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इज दिस अ बैट, आपको जो भी आंसर है यहाँ पे लिख के मैम को सेंड करना है। नेक्स्ट पेज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज एंड दोज। दीज और दोज दे रखे हैं मैम ने यहाँ पे, राइट। आपको यहाँ पे क्या यूज़ होगा, दीज यूज़ होगा, दोज यूज़ होगा, आपको लिखना है। ये दूर के लिए है और ये पास के लिए, राइट। यहाँ पे आप दूर के लिए क्या यूज़ करना है और पास के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये आपको खुद देखना है। और ये सेंटेंसेस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिर लिखेंगे 1-r kites, 2-r balls, 3-r leaves, 4-r trees, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, यूज ऑफ ए एंड एन। आपको यहाँ पे मैम ने दे रखे हैं बुक, एक्स, एलिफेंट, फ्लैग, ओनियन, डॉग, इग्लू, केक। इसके आगे अब ए और एन क्या यूज़ होना है वो आपको खुद देख के फिल करके, बट पूरा ही लिखेंगे यहाँ पे, ब्लैंक को फिल करेंगे बुक, खाली ए एन लिख के नहीं भेजेंगे, पूरा ही लिखेंगे। और ये भी सेंटेंसेस पूरे लिखेंगे, डैश आर काइट्स पूरा फिल करके, फिर जो भी आएगा दीज दोज जो भी आएगा आर काइट्स, आपको ये पूरे सेंटेंसेस फिल करके लिखने हैं। खाली आंसर्स मत लिख देना, मैम कंफ्यूज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, यूज ऑफ इज एम आर। कहाँ पे इज यूज होना है, कहाँ पे एम और कहाँ पे आर, आपको फिल करके यहाँ पे भेजने हैं और सेंटेंस फुल लिखना है, राइट। और PDF फॉर्म में मैम को सेंड करना है। और जो मैम ने क्वार्टरली एग्ज़ाम का HKG क्वार्टरली ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में सेंड करना है। ये ग्रुप खाली एग्ज़ाम्स के लिए है, उसके बाद मैम डिलीट मार देगी और होमवर्क आपको होमवर्क ग्रुप में ही सेंड करना है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स हैं इसीलिए उस ग्रुप में सेंड करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर।
और कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को कॉल कर सकते हैं, बट इसी टाइम में 9 to 12 के बीच में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।